अर्ली यंग एज से ही फिटनेस के प्रति रुचि होने के कारण बहुत कुछ चीज़ें करता था, परंतु कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं रही। मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैंने सोचा उनको फिटनेस या स्वास्थ्य के अलावा और कौन सा बड़ा गिफ्ट होगा जो बचपन से उनको उसमें रुचि अगर उनकी लगाई दे तो जन्म तक पूरे आयुष भर उन्हें उसके फ़ायदे मिलते रहेंगे। हम आजकल अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छा करियर, बहुत उसमें गाइडेंस देते रहते हैं, सभी पेरेंट्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उनको अलग अलग खेलों में भी रुचि पैदा कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, उसके साथ साथ ये खेल वगैरह कुछ दिनों के बाद संभव छूट जाते हैं, पर उनको ऐसी रेगुलर उनके साथ रहने वाली ऐसे हाइकिंग का गिफ्ट दे जो हमेशा उनके साथ रहे। इसका जब अनुभव लेंगे उसके बाद में वो खुद ब खुद कंटिन्यू करेंगे, भले ही हमारे साथ नहीं हो, परंतु वो खुद अपना ग्रुप बनाएंगे, उनके एज ग्रुप वालों के साथ जाएंगे, हमसे कुछ और ज़्यादा चुनौती वाले पहाड़ चढ़ेंगे। ऐसे मेरी यही इच्छा है कि हाइकिंग के द्वारा आप भी, आप खुद तो आ रहे हो, आपके परिवारों को भी लेके आए, आपके बच्चों को लेके आए, उनको सवेरे सवेरे निसर्ग में लेके आए, जिससे दोनों हो, आप निसर्ग का दर्शन भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छे से रख सकते हैं। आप खुद भी सवेरे के दोस्त बनाइए, हमारे साथ जुड़िए संडे हाइकर्स के साथ, और बच्चों को भी मॉर्निंग फ्रेंड्स बढ़ाने की प्रेरणा दे, अपने आप ही इवनिंग के फ्रेंड्स कम हो जाएंगे। हम ऐसे ही हाइकिंग करते रहे, हाइकिंग के लिए रोज सवेरे ब्रिस्क वॉकिंग करते रहे, इसके द्वारा हमें स्वास्थ्य और फिटनेस अच्छे से मिलते रह जाए, जिससे हमारी जो मंशा है कि हम ऐसे ही हाइकिंग करते रहे, हाइकिंग कोई भी फिटनेस स्वास्थ्य के लिए जो कर रहे हैं उसमें सातत्य रखना ज़रूरी है। सातत्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने आप को ऐसे ट्रेन करता हूँ कि सवेरे वॉकिंग योगा अगर ना किया तो ब्रेकफास्ट करने का मुझे हक नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप वॉकिंग योगा करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करने का हक, मील्स लेने का हक पाते हैं। यू नीड टू अर्न द राइट टू हैव द मील्स। इस भावना से अगर आप स्वास्थ्य की तरफ देखोगे, स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें करते हैं उनको देखोगे, तो अपने आप ही आपका सातत्य बढ़ेगा। बहुत लोगों की ये मानसिकता होती है कि हफ्ता भर हम काम कर रहे हैं तो हमें संडे के दिन आराम करने का हक है। मैं कहता हूँ ज़रूर है, परंतु आप नेचर से कब जुड़ोगे? आप संडे ज़रूर आराम कीजिए, पर सवेरे नहीं। सवेरे नेचर में आइए, हाइकिंग कीजिए, स्वास्थ्य कमाइए, अच्छे से नाश्ता करिए, फिर घर जाके आराम करिए।